एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? अरे पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है? बेटी को गुस्सा आ गया, बोली, जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। यानी अगर मैं लड़का होती तो शायद मुझे पढ़ने की जरूरत न होती, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। और आगे चलती है, कहती है, पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है। पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। फिर बोली, मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही खड़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। फिर बोली, हर जोर जुल्म से लड़ना है सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। फिर बोली, मीरा का गाना गाना है, यहां मैं बोलूंगी सावित्री का गाना गाना है सो पढ़ना है, हर ज्ञानी से पतियाना है। आई वॉन्ट टू हैव अ डायलॉग विद एवरी वाइज पर्सन। हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा का गाना गाना है सो पढ़ना है, अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। ये मैंने लिखी तो लिटरेसी के लिए थी, क्योंकि लिटरेसी के लिए 3 स्लोगन्स लिखे थे, क्योंकि हमें तो 3 R's कहते थे कि लिटरेसी का मतलब है कि 3 R, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। तो मैंने कहा भाई इससे तो पूरा नहीं होगा हमारा काम, तो मैंने लिखा था कि मैं पढ़ना सीख रही हूं ताकि जिंदगी को पढ़ सकूं, मैं लिखना सीख रही हूं ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं, और हिसाब सीख रही हूं ताकि अपने अधिकारों का भी हिसाब ले सकूं।